गुड मॉर्निंग। और आज हमारा नाश्ता देख लीजिए आप, आज सिंपल सा नाश्ता है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है तो ये हम खा रहे हैं, चाय एंड ब्रेड विद बटर, लोड्स ऑफ बटर। अब मैं इसे खा लेती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। ये गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपका मन कर रहा है शादी करने का, या आपके घर में कोई है जो शादी लायक तो हैं लेकिन उनके लायक रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए वही मामियाँ चाचियाँ वही घिसे पिटे रिश्ते लेकर आती हैं जो कि उन्हें नहीं पसंद आते हैं, या आप खुद भी ऐसे हैं जो कि आपको वो घिसे पिटे रिश्ते पसंद नहीं आते हैं, आपका मन करता है कि मैं मतलब जिस हिसाब से आप हैं उस हिसाब से आपका रिश्ता होना चाहिए, कुछ ज़्यादा वेराइटी होनी चाहिए ना। आजकल ऐसा होता है ना कि हम कपड़े भी खरीदते हैं तो उसमें भी हमें इतनी वेराइटी चाहिए, तो रिश्ते में इतनी कंजूसी क्यों कि कोई एक आ गया तो चलो एडजस्ट कर लो, चलो उसी के साथ अब कर लो, अब फिर नहीं आएगा, फिर घर वाले भी तो ऐसे डराते हैं ना, अब जो है वो यही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से घबराए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये है कि अगर आप अपने लिए एक बेहतरीन रिश्ते की तलाश में हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए nikahforever.com पर। nikahforever.com है इंडिया की नंबर 1 मुस्लिम मैट्रिमोनियल ऐप, जहाँ है मोर देन 7 लाख यूजर्स, वो भी 100% वेरीफाइड अकाउंट के साथ, 37,000 सक्सेसफुल स्टोरीज, मल्टीपल ऑप्शन एंड यूजर फ्रेंडली। अब आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपने वैरायटी ऑफ ऑप्शंस को बड़ा कर सकते हैं, तो आज ही रजिस्टर कीजिए nikahforever.com पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आगे आप लॉग इंजॉय कर सकते हैं। तो जी, आज हमने खाने में बनाया, आप लोग को नज़र ही आ रहा होगा, हमने बनाया है भिंडी की सब्ज़ी, और ये इतनी ज़्यादा यमी है ना, मतलब दिखने में ही आप लोगों को कितनी लटपटी मसालेदार लग रही होगी, और आई नो मुझे पता है कि आपको फिर इसकी रेसिपी भी चाहिए होगी, तो रेसिपी इंशाल्लाह मैं कल मॉर्निंग दे दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी, और अभी तो आप व्लॉग एंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर व्लॉग में रेसिपी डालो तो आप लोग को पता ही है ना फिर व्लॉग कितना लंबा होता है। तो यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ भैया की, नीचे जाएगी भैया के लिए, तो बस भैया को दे देते हैं, फिर हमें भी इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि बस क्या ही बताएं, और फिर फटाफट से लगाते हैं इसके बाद अपनी थाली और फिर खाते हैं फटाफट से खाना। बस जी, हमारा खाना बन के हो गया है रेडी, आय हाय हाय कितनी टेम्पटिंग भिंडी की सब्ज़ी लग रही है, आप देख रहे हैं ना। ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार होती है, बिल्कुल स्पाइसी मसालेदार, स्पाइस अपने ऊपर है, मतलब अगर मिर्च विर्च कम खाते तो कम डालना, ऑलवेज़ लिबा का पराठा, लिबा को पराठा ही पसंद है तो उसके लिए पराठा लाई हूँ। अभी मैडम को बुलवाया है तो वो आ रही हैं मेरे लिए, 2 रोटी विद लोड्स ऑफ घी एंड रायता। तो बस अब ये खाना खाते हैं, क्योंकि बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ, मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख, तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए हमारे साथ। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनजन भट्ट, कैसे हैं आप लोग सब। ओ हवा के ठंडे ठंडे झोंके आ रहे हैं, अभी हुआ है शाम का टाइम, मैं पढ़ने जा रही थी असर की नमाज़, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, व्लॉग की भी शुरुआत कर लेती हूँ, मतलब शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, बट ठीक है आप लोगों से मिलते हैं, तो पीछे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यू नो ईद के बाद ऐसा होता है शादी के, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके सालक शुरू हो जाते हैं, तो शादियाँ ही बहुत सारी हैं आसपास, तो कभी बरातें निकलती हैं कभी ढोल बजते हैं, मौसम बहुत ऑसम हो रहा है, मौसम आप देखेंगे तो आपका जी खुश हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मौसम के हाल चाल। अरे अल्लाह क्या वो मैंने अभी दुपट्टा बांधा ना, अगर मेरे बाल खुले होते तो ये हीरोइनों की तरह भी छोड़ रहे होते, लेकिन नहीं, हमें इससे भी खुश है। तो आपको दिखाती हूँ मौसम के हाल चाल, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा मौसम, मतलब इतनी चिल्ड हवाएं चल रही हैं, इतनी चिल्ड, बहुत ज़्यादा देर आप खड़े नहीं हो सकते इन हवाओं में, आपको ठंड लग जाएगी लिटरली। अभी शाम के टाइम आंधी आई थी तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है भाई साहब, गर्मी आ गई है, मतलब मई जून ऑब्वियसली बात है, अभी क्या लगा है, अप्रैल लगा है, मई लगा है। हाँ चलो ये ढोल वाले को ही देखें इसे क्या पता है। हाँ वहाँ से औरतें कहीं कुछ लेके जा रही हैं रोड से, अब क्या लेके जा रही हैं वही औरतें जाने, मैं नहीं जानती कुछ हो रहा होगा, किसी का कुआ पूजन, किसी का कुछ। खैर बहरहाल आप लोग मौसम इंजॉय कीजिए, और उधर उन दो बंदरों को भी देख सकते हैं छत के ऊपर,
दो बंदर चलो अब मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, है ना, फिर मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, हाय गाइस, कर लो बोलो, हाँ बोलो, हाय बोलो, वेलकम बैक। अभी पता क्या हुआ, मैंने इसको एक बार बोला, ये वहाँ पर लेटी हुई थी और दूध पी रही थी, मैंने इसको एक बार बोला कि लिबा उठो दादी के घर चलना है, इसने और फ़ोन भी देख रही थी, इसने अपना फ़ोन मुझे दिया जो कि मैंने वहाँ रख दिया, फिर उसके बाद दूध बॉटल दी मैंने वहाँ रख दी और फिर ये उठ गई। तो मैं आयरा सो रही है ना, मैं आयरा को सुना रही थी कि लिबा देखो कितनी अच्छी है और मम्मा की सब बात मानती है ना, ये वाकई में बहुत अच्छी बच्ची है, पता ये ऐसे ऐसे काम करती है ना जो आयरा ने कभी भी नहीं किए, बहुत ही प्यारी, मेरा तो बहुत ध्यान रखती है। तो अभी ना ये मुझसे कह रही थी, आयरा उठ नहीं रही थी, मैं इसे उठा रही थी, तो ये मुझसे कह रही थी यहाँ पर ना हमेशा मैं डंडा रखती हूँ इन लोगों के लिए, ये जब बिल्कुल हाथ से बाहर हो जाते हैं ना वो डंडा दिख रहा है, लिबा ला के दिखाओ, डंडा ला के दिखाओ। तो इन्हीं लोगों से मंगवाती हूँ तो ये लोग मुझे ला के भी देते हैं। ओह, तो ये मुझसे कह रही थी कि मम्मा अभी नहीं उठ रही ना तो ये डंडे से मारो। तो मैंने लिबा को क्या समझाया कि नहीं प्यार से उठाना है, कैसे उठाना है, प्यार से, चलो प्यार करो अपी को उठाओ। अब इसको समझ में आ गया, अब ये प्यार से कैसे उठाते आप देखो, अपी को पा करो और उठाओ और ऐसे करो अपी, ऐसे ऐसे करके उठाओ ऐसे नहीं अपी को छू छू के ऐसे अपी, बोलो प्यारी अपी उठ जाओ, चुना बेबी उठ गई अपी, अपो हैं डंडा मारूं किसको, ओ आप नहीं मारना अपी के लग जाएगी, ला मैं मार देती हूँ अपी के धंगलों पे मारते हैं, 1 2 3 पुम, अपी उठ अपी उठ अपी उठ, छोनू के धंगलों पे मारती हूँ, हैं छोनू के धंगलों पे मारती हूँ पीछे रख दे, हो गया डंडे का काम, चलो जी डंडे का काम हो गया, चलो जी सही है, ठीक है। हैं अभी क्या फोन दूँ आपको, पीछे होके बनाओ मेरी वीडियो, पीछे होके, अच्छा इन्हें बड़ा शौक चला मेरी वीडियो बनाने का, तो मैं अपी को उठाती हूँ, अप्पो मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं मैं आप लोगों को दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, लेकिन इसको बहुत शौक है वीडियो बनाने का, अप्पो मेरी प्यारी लाडो, ओह सब दिखाएंगे, पूरा घर दिखाएंगे वो आपको। हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक, है ना सही बोला मैंने, अपी को दिखाओ, अपी देखो वो सब दिखा रही है, कितनी अच्छी वो वीडियोज बनाती है, ये देखो देखो वो सब कुछ दिखा रही है, मम्मा को भी दिखा रही है, आपको भी दिखा रही है, घर को भी दिखा रही है ना, इसको बस में चले पता नहीं क्या क्या दिखा दे वो है ना, हो गया, हो गया, अच्छा बंद कर लिबा, अपी से बोलो, अपी उठ नहीं रही है ना, अपी से बोलो अपी प्लीज उठो, अच्छे से बोलो ना प्लीज अपी, फिर से बोलो प्लीज अभी प्लीज, कितनी देर से बेचारी प्लीज कर रही है, ओ महारानी उठो 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 जल्दी उठो उठो उठो, ऐसे नहीं करते, ओ अब क्या करें लिबा, ये तो उठ ही नहीं रही, क्या करें अब, ये पता किसके नाम बता रही है, आप लोग मुझे अगर गैस कर सकते हो, लिबा इधर आओ इधर आओ, हाँ आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोगों को गैस करके बताना है इसने किस किस का नाम बताया है, हाँ बताओ, हाँ हाँ ओनी और भैया, हाँ भैया ओनी भैया ठीक है, और अफू, हाँ कल्चू, हाँ आप लोग ऐसे समझ गए होंगे, एक इंसान का नाम इसने इतना क्लियर लिया कि आप लोग समझ गए होंगे, बाय, उठ जाओ महारानी, लेट हो रही है लिबा, आयरा आयरा जल्दी करो, अब लिबा अब डंडा लेकर आओ, मैं जा रही हूं।
हाँ रहन दो लिबा, लिबा आप भी एक ही बार में चल देती हो, रहन दो ना। अरे लिबा एक एक आध बार तो चलो आ गए डंडा। चलिए चलिए उठिए, उठो जल्दी जल्दी उठो जल्दी, है ना लिबा। लिबा हम तीन तक काउंट करेंगे, अगर तो ये तीसरी बार में उठ के मुंह धोने चली गई तो ठीक है, वरना इनकी पिट्टी। ठीक है आप यहाँ खड़े हो, आप भी कैमरे में आने चाहिए, है ना। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टू, टिक टिक थ्री। चलो बाहर जाके गुल जाओ। होटी आ गई तुम्हें सब पता है दूसरे का हाल। चलो अब हम चलते हैं, ये सब रोज का हमारा नाटक रहता है। अब हम चलते हैं, बाय बाय कर देना, बाय।